अयाम पाकिस्तान के करारदाद की मंजूरी के रोज इस्तेहकाम पाकिस्तान का है। आज यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुलहुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी, फिजा नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, दिन के मुनासबत से तकरीबात शेड्यूल। शुरका हौसलों, उमंगों और हिम्मत और जुरत की लाजवाब दास्तान रकम करने वालों को खिराज अकीदत पेश करेंगे। किफायतशुमारी पॉलिसी के तहत इस्लामाबाद में पाक फौज की रवायती परेड महदूद पैमाने पर ऐवान सदर में होगी। यौम पाकिस्तान पर सदर मुमलिकत की कौम को मुबारकबाद। बानियान पाकिस्तान के जदोजहद और लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं आरिफ अलवी। आज का दिन मौजूदा हालात पर गौर व फिक्र की दावत और खुशहाल मुस्तकबिल की तहरीक देता है। 75 साल के सफर में हमें जंगों से निबर्दाजमा होते, बहरानों से निमटते देखा। हमने इन चैलेंजेस को भी नजरअंदाज नहीं करना जो हमारे सामने है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। अमरीकी कांग्रेस ने 23 मार्च यौम पाकिस्तान मनाने की करारदाद पेश। करारदाद न्यूयॉर्क से डेमोक्रेटिक कांग्रेस रुकन जमाल बाउमिन ने पेश की। करारदाद पेश करने पर पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान ने जमाल बाउमिन का शुक्रिया अदा किया। और पंजाब में आम इंतखाबात 30 अप्रैल को नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वापस ले लिया। पोलिंग के लिए 8 अक्टूबर की नई तारीख का ऐलान। तमाम स्टेक होल्डर्स की ब्रीफिंग के बाद ऑर्डर जारी। फैसला इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 58 और 8C के तहत किया गया। तहरीरी हुक्मनामे का मतन।